सर सीबीआई वो फोर्स केस को दोबारा खोलना चाह रही है और केंद्र सरकार और कोर्ट से अनुमति मांगी है। सीबीआई ने पहले भी अनुमति मांगी थी जब हाईकोर्ट का फैसला आया था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस को बचाना था उस समय की सरकार को, क्योंकि कांग्रेस कटघरे में खड़ी थी। कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, आपने देखा है कि माइकल हर्शमैन जो प्राइवेट डिटेक्टिव थे उन्होंने कहा है कि घूस दिया गया था, ब्राइब एक्सचेंज हुए थे। नए फैक्ट्स आए हैं और सीबीआई चाहती है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के द्वारा अपील किया जाए। सरकार के पास मामला है, सरकार हम उम्मीद करते हैं नया उचित फैसला लेगी। जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो पार्टी चाहती है कि वो फोर्स की सच्चाई लोगों के सामने आए, कितना पैसा खर्चा हो गया ये उतना अहम मुद्दा नहीं है जितना ये है कि वो फोर्स की सच्चाई आज भी लोगों तक नहीं पहुंची है। इस पर राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि एक सही फैसला लिया जाएगा। मार्शल फिल्म साउथ में वहाँ जीएसटी है, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे दिखाए गए हैं, कमल हसन उसको अपने आड़े हाथों ले रहे हैं, सरकार को पी चिदम्बरम पूरी तरह से सरकार को घेर रहे हैं जीएसटी पे उस फिल्म को लेकर और कलाकारों के पक्ष में उतरे। देखिए मुद्दा ये नहीं है कि आप जीएसटी का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो सरकार के द्वारा लिए गए फैसले की आलोचना कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि अगर फिल्म में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए, गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाएं जो नहीं हैं और उससे एक रूमर फैले तो क्या ये देश के हित में है? जीएसटी एक यूनानिमस डिसीजन है जो सारी पार्टियों ने मिलकर लिया, राज्य सरकार और संघीय सरकार ने मिलकर फैसला किया कि देश में एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम हो जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे समय में अगर कोई फिल्म आती है जो तथ्यों को सही तरीके से नहीं रखती, ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से रखती है, तो निश्चित ही ये देश के हित में नहीं होगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म के निर्माताओं को ये बात समझ में आएगी और जो लोग इस पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने अंदर झांकेंगे और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा।